ये जो मनवाद और ब्राह्मणवाद है ना, वो आप लोगों की वजह से है हमारे बेडरूम में, हमारे घरों में। जब बाबा साहब ने देश को संविधान दिया तो बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अब जो राजा है वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, इस बैलेट पेपर की पेटी से पैदा होगा। और मैं सामने हूँ, दिल्ली में विधायक हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं हूँ, केजरीवाल की वजह से नहीं हूँ, बाबा साहब के आरक्षण की वजह से। ये जितनी भी पार्टियां हैं देश में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये एक ही समुदाय के एक ही परिवार के लोगों की पार्टियां हैं। आपस में 20-20 खेलकर ट्रॉफी अपने घर ले जाते हैं ये वो लोग। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था और कहा था कि इस वोट के अधिकार से हो सकता है परिवर्तन ना आए, लेकिन दो अधिकार और हैं, ये समाजवाद और पूंजीवाद। अगर जब तक समाजवाद, आपने कुछ बोलना है, मैं बोल रहा हूं, ये जो समाजवाद और पूंजीवाद है, जब तक ये बराबर नहीं आएगा ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इस देश का असली बाप कौन है? हमारा बाप है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। गांधी नकली बाप है इस देश का, नकली बाप है इस देश का गांधी। मुकदमा करते हैं ब्राह्मणवादी लोग मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने सदन में भी कहा था, अगर बाबा साहब ना होते तो कोई काशीराम भी पैदा ना होता। और महापुरुष को नमन करो आप लोग, अगर काशीराम ना होते तो ये सिर्फ एक लाइन लिख देते कि देश का संविधान बनाने वाला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था, काशीराम से बड़ा नेता इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ। और जिस दिन इस देश के गलियारों से, इन गलियों से एक आवाज आने लगी, मैं आपको शेर बताऊंगा, पीछे पीछे बोलना, मैं कहूंगा गली गली से आई आवाज, आप लोग ना जय वाल्मीकि जय रविदास, ठीक है। जिस दिन ये माहौल पैदा कर दिया ना आप लोगों ने, ये हरियाणा का देश बदल देंगे हम लोग। तो मैं बोलूंगा गली गली से आई आवाज, जय वाल्मीकि जय रविदास। अरे हम लोग वो लोग हैं जो मरा हुआ जानवर खाने के लिए जंगली कुत्तों से अटवार में लड़ते थे, हमें लोग चूड़ा और चमार के नाम से संबोधित करते थे। और जिस दिन तुम लोगों ने सोच लिया कि जो संविधान है ये वो मांस का टुकड़ा है और ये जो जंगली कुत्ते चिपके हुए इनसे बचाना है इसको, तो हम लोग कामयाब होंगे। और हम लोग उस बिरादरी से आते हैं जो मरे हुए जानवर की खाल उतारना जानते हैं और उसकी जूती बनाना जानते हैं, और केजरीवाल मोदी जैसे लोग अगर चाहते हैं तो सिर में मारना भी जानते हैं। हम उस परिवार के लोग, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, मेरी बात ठीक लगी आपको? एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। एक बार दो भाई होते हैं, दोनों बेरोजगार होते हैं। एक कहता है कि यार क्या करे, रोजगार नहीं, इसकी आवाज क्या होगा भाई, कोई ब्राह्मण तो नहीं बैठा उसके बाद। तो दोनों भाई बेरोजगार थे, एक ने कहा क्या करे बड़े परेशान है, तो एक ने कहा तार खोल लिया था, दो तीन फीट पे तार खोल लिया। एक ने रात को जाकर सारी कॉलोनी की खिड़की और दरवाजे पोती, जैसे खिड़की और दरवाजे। सुबह दूसरा भाई गया साइकिल लेके और कह रहा नहीं तार खोल साफ करवा लो, तार खोल साफ करवा लो, उसको काम मिल गया। ये कांग्रेस हो भाजपा हो आम आदमी पार्टी, ये कोई भाई है, एक हमारे मुंह पे कागज पोतता दूसरा साफ करने दिया। ये भाई लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है इस देश के जो मठाधीश बने बैठे हैं। शंकराचार्य ने कहा था, मेरी बहन बेटी को बताना चाहता हूं, पाखंड जो है ना आज नवरात्र है, अच्छी बात है, इनके बीच में समझना पड़ेगा आपको। इसके शंकराचार्य ने कहा था कि नारी नरक का द्वार है। अरे तू कौन से द्वार से आया यार, हम बोल, तुम्हें तो एक महिला ने पैदा किया था, तू कहां से आया था? और ये जो दुर्गा का पाखंड चल रहा है इस देश में, मैं बताऊं आपको, महिषासुर हमारा दर्मिंड सभ्यता का राजा था, इन्होंने एक वैश्य का सहारा लिया था और कहा था कि इसका संहार करना है। 9 दिन उस हमारे राजा को छत के पर से अपने घर के अंदर रखा और 10वें दिन बांधा था। एक वैश्या थी दुर्गा, ये स्मृति रानी ना उसने कहा है, ठीक है। और ये लोग पूजा करवा रहे उस वैश्य की, आपसे कहते हैं दुर्गा की मूर्ति जब बना देती थी वैश्य घर की मिट्टी नहीं आती, ये कहावत है। तो ये उसकी पूजा करवा रहे। और एक हमारी बहन थी फूलन देवी, जिसने उन राक्षसों का संघार किया, उसे डाकू बनाया गया। अरे असली दुर्गा तो वो है। और ये झांसी की रानी रूनी कोई नहीं रही इस देश में, झांसी की रानी इंडियन जलकारी भाई लगी, झांसी की रानी तो विदेश में बैठी थी उस टाइम, अगर रानी थी तो डाठा मार के गिर रही थी।
दिखाती ना लोगों का मैदान में लड़ रही हूँ। तो ये हमारी बहन बेटियां इतनी तैयार है, जब हम जंगलों में रहते थे ना, चिमटे फुटने से हिरण और शेर को मार देती थी, इनकी औकात क्या, इनकी औकात बता रहे हैं लोग, जिस दिन हम लोग इनके मोहन भागवत ने कहा था कि जो देश की आर्मी नहीं कर सकते हम 10 दिन में करके दिखा देंगे, एक बार हमें खुला छोड़ दो। मैं कहना चाहता हूँ मोहन भागवत को, एक दिन 2 अप्रैल को छोटा सा मजाक किया था, जिस दिन मजाक करना बंद कर दिया, तुम्हारी औकात दिखा तुम्हारी धोती खुल जाए। ये वो लोग है और हम लोग डरने वाले नहीं, केंद्र वालों का टिकट नहीं चाहिए, राजनीति करनी नहीं है, बाबा साहब के मिशन में काम करना है, साहब काशीराम के मिशन में काम करना है, हम लोग नहीं डरते भाई। टिकट लेकर जब चुनाव आते हैं ना ये लोग, हम लोग जो हमारे जैसे लोग, ये राजनीतिक दलाल है समाज के, संदीप तू आम आदमी पार्टी में लिया, फलाने तू कांग्रेस में लिया, टिकटे तू उसमें लिया, और जब सिफारिश की बात है समाज की बात को छोड़ दो, अपनी लुगाई की सिफारिश नहीं कर सकते। ये कातिया के कुत्ते हैं, कातिया कहेगा तो भोंकेगा, कातिया कहेगा तो काटेंगे, ये बोल लो। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, साहब काशीराम ने कहा था कि जब आपके खिलाफ ब्राह्मण रोड पे आ जाए ना, तो सोच लेना आप लोग सही रास्ते पे। हमारा विरोध मुसलमानों ने किया आज तक, जब बाबा साहब पहली बार देश की संविधान सभा में गए थे तो मुसलमानों ने भेजा था बाई इलेक्शन जीतवा करके, इन कांग्रेसियों ने इन ब्राह्मणवादियों ने हराया था बाबा साहब। ये आपको समझना पड़ेगा कि हम कौन से परिवार से, हम कौन से खानदान से हैं। इन लोगों ने हमें 6,747 रुपये में बांट दिया, और मैं कहना चाहता हूं अगर मेरे भाई यहां पर कोई जाट बैठा हो तो सुन लेना कान खोल के, इस देश में 2 व्यवस्थाएं चलती हैं, एक वर्ण व्यवस्था चलती है, एक वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था में कोई भी अमीर हो सकता, कोई भी गरीब हो सकता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कभी वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं हो सकता, कभी चमार जो है ठाकुर नहीं हो सकता। ये व्यवस्था इस देश में, एक आदमी को नीच घोषित कर दिया आपने, एक आदमी को उच्च घोषित कर दिया। ये 15% लोग इस देश में राज कर रहे हैं। साहब काशीराम एग्जाम्पल देते थे पेन का, जब इनकी हमारे ये कुलती है ना, तो ये कभी कट पर सवार रहते कमर पे और अपने हिसाब से लिखवाते हैं हमारे जलालों से। ये 15% लोग, और आरक्षण की बात करते हैं ये लोग, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ की बोलर नहीं है, आरक्षण सामाजिक बराबरी की बात है। अगर गरीबी की वजह से आरक्षण होता तो इस देश का राष्ट्रपति जो ना मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के पूजा नहीं करता। लाला धन ऐसे दलित राष्ट्रपति बैठ जो इन ब्राह्मणवादियों का वैसा नहीं। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग, एक काम की बात है। एक बार एक राजा शिकार करता करता दूसरे राज्य में पहुंच गया और दूसरे राज्य के सैनिकों ने पकड़ लिया और उसको फांसी की सजा दे दी। तो उस राज्य की राजकुमारी ने देखा बहुत ही सुंदर युवक है, ये फांसी टूट जाएगा, इसको कैसे बचाऊंगा। उसने फैसला लिया कि मैं इससे शादी करती हूँ। वो जेल में गए और उसे कहा कि राजकुमार मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने सोचा कि राजकुमार ये कोई बात नहीं शादी कर लेते हैं। तो राजकुमार राजकुमारी उसे जेल में से भगा के ले जाती है और घोड़ों के अस्तबल में ले जाती है। उस घोड़े के मालिक से कहती है कि हमें 2 घोड़ी चाहिए ऐसी जो हवा से और तूफान से बातें करे, जो किसी के हाथ ना आए। तो उस मालिक ने कहा कि ये घोड़ी है जवान घोड़ी है, ये हवा से बातें करती, बहुत ही अच्छी नस्ल की घोड़ी है। और ये उसने पूछा कीमत कितनी, उसने कहा 1,00,000 रुपए। कहते ठीक है एक और बताओ। एक और दूसरी घोड़ी बैठी थी बुजुर्ग सी घोड़ी, कहती थी ये भी बहुत अच्छी नस्ल की घोड़ी है, इसकी कीमत 1,00,000 रुपए। उसका दिमाग थककर पूछा भाई ये समझ में नहीं आया, ये जो जवान है अच्छी घोड़ी है इसकी आप कीमत 50,000 रुपए बता रहे हो और जो बूढ़ी घोड़ी है इसकी 1,00,000 बता रहे हो, ये रहस्य क्या है राजनीति का ये तो बताओ। तो उसने कहा मालिक ने ये जो जवान घोड़ी आप देख रहे हो, चाहे आंधी आए तूफान आए कोई रोक नहीं सकता इसको, लेकिन इसने कभी अपने सवार को मंजिल तक नहीं पहुंचाया। लेकिन जो बुजुर्ग घोड़ी है आंधी आ जाए तूफान आ जाए गोली चल जाए कुछ भी हो जाए सवार को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है, ये उस नस्ल की घोड़ियां। तो उस राजा ने सुना होगा, ध्यान की बात सुनो, उस राजा ने उसको वहीं छोड़ दिया उस राजकुमारी को, कहा मुझे जेल में डाल दो मुझे मरना मंजूर है। तो राजकुमारी कहती अब क्या होगा, थोड़ी देर पहले तो ठीक था। कहता है नहीं 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 आज तू मेरे साथ भाग रही है, कल मेरा हो सकता है मेरी बेटी भी भागे। तो ये नस्लों की बात है, बाबा साहब की नस्ल है, इस देश के मालिक है, हम साहब काशीराम की नस्ल है, तो ये समझना पड़ेगा। और अब हमारे लोग बोलना सीख गए हैं, और बोलना बोलना नहीं उनको ठोकना भी सीख गए हैं। ये कैसे मर गया जाए, जैसे मर गया जाए, मैं बताऊं कि मेरा ड्राइवर ब्राह्मण था तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़ के चला गया, कह रहे थे आप ब्राह्मणों को ऐसे करते हो, मैं मिश्रा नहीं बनने दूंगा।
एक हमारी पार्टी है बीएसपी, उसमें मिश्रा जी है ना, मगर मैं ऐसे ही दूंगा भाई, और अपना नाश करने के लिए लगा हूं। जो नाश करते हैं ना वो इतिहास बनते हैं, और जगजीवन राम जैसे लोग भी साफी पैदा होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। ये आप लोगों को समझ नहीं पड़ेगी। और एक और बात कहूं आपको, ये जो राम था दशरथ का बेटा, आप लोग बड़ा गुणगान देख रहे हो आजकल, एक गर्भवती महिला को छोड़ दिया जंगल में परेशान होने के लिए। क्या अगर आपका पति जो मेरी बहन शादीशुदा है, अगर आप कोई सोचता हूं छोड़ दे तो क्या आप उसको पुरुषोत्तम मानोगे? और एक तालाब में नहाती हुई महिला के कपड़े उठा के ले जाए, क्या उसको आप भगवान मानोगे? कृष्ण जी को इनके जितने लफंदर हुए, इनके जितने लफंदर हुए इन लोगों ने पुजवा दिया है ना। तो इनका समय आ गया है। और आप लोग एक चीज, और बहन ने कहा, हमारी छोटी बहन ने, मैं बहुत देखता हूं यूट्यूब पे इनको, इन्होंने कहा कि पढ़ो, ज्ञान जो है वो शेर जी का दूध है। अगर मैं पढ़ता नहीं लिखता नहीं ना, हो सकता गाँव में मैं सुअर चला रहता या बैंक चला रहता। पढ़ा लिखा हूं, वकील बना, और फिर दिल्ली में जाके राजनीति की, दिल्ली की सत्ता में हम लोग बैठे। अगर आप पढ़ोगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, तो आप इस देश के शासक बनोगे। इन लोगों ने लिखा है रामायण ग्रंथ को, मुझे लोग कहते सुनी भाई आप ऐसे बोलते, ये रामायण कोई सत्य कहानी नहीं, ये ग्रंथ है। जैसे नोवेल पढ़ते ना, फिल्म देखते हैं, एक प्रायोजित कार्यक्रम है हमारे लोगों को बहकाने के लिए। हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो है ना प्रचलित रही चीज है, मैंने अपने घरवाली को कहा या तो भगवान के साथ रह ले या मेरे साथ रह ले। दो दिन पहले झगड़ा हुआ नवरात्रों के चक्कर में, मगर या तो भगवान के साथ रह ले या मेरे साथ रह ले। चुनना पड़ेगा आपको, या तो आस्था के साथ रह लो या बाबा साहब के साथ रह लो। आस्था आपको गुलाम बनाती है, बाबा साहब इस देश का मालिक बनाते हैं, ये समझना पड़ेगा आप सबको। हम इतनी दूर दूर से आपके बीच में आते हैं, बहन हमारी कहां से आई है, लंदन तक जाती है, यूके में जाते हैं, सारी जगह जाते हैं समझाने के लिए। ये लोग कोई कमाने खाने के लिए काम नहीं कर रहे गाने का, ये सब लोग आप समझते हो, आपके जैन तक ये बातें जाती है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आदमी की आत्मा और दिमाग में दिल में बैठता है। तो मैं धन्यवाद करता हूं, हमसे सबसे बड़ा काम तो हमारी छोटी बहन करती है। तो ये सारी बातें आपको पता है। और एक और बात कहूं मैं आपको, जब जंगल में शेर का शिकार करना तो बकरियों को मानते ही नहीं मानते। तो ये जो हमारे जैसे लोगों को टिकट देते हैं ना, हम लोग बकरी हैं, तुम्हारा शिकार करते ही हैं, तुम लोग शेर हो इस काम के। जिस दिन इस देश का बहुजन जाग गया, जिस दिन इस देश का मूल निवासी जाग गया, इन अप्रवासी भारतीयों की सरकार तो क्या इनके मकान भी निश्चय नाबूद कर देंगे, हम इस देश से भगा देंगे। ये लोग आज भी देश को भी बढ़िया काम कर रहे हैं। चौकीदार कौन है भाई? चोर है। एक दिल्ली में नकली झाड़ू वाला बैठा है, हमारे बाबरी की भाई लग जाते हैं उसके पीछे। मैं कहता हूं ये भी बढ़िया ही है। एक बढ़िया गांधी आता है जिसने हमारे बाबा साहब को परेशान किया था, और दूसरे बढ़िया ने झाड़ू ले ली। इनके बैठा हुआ बता ना, मैं बता रहा हूं आपको, आपको अपने बच्चों की कसम है, जब तक आपके आगे कोई विकल्प नहीं आता, किसी ब्राह्मण बनिए ठाकुर की पार्टी को वोट मत देना, नहीं तो आप अपने बच्चों की कसम खाओ, खाओ आपके लेकर के सारी कसम। तो मैं अपने बच्चों की कसम है, इस देश पर अगर कब्जा करना है तो एक ही रास्ता है, ये मनुवाद रास्ता नहीं है, संविधान रास्ता है। और ये लड़ाई जो है ना मनुवाद वर्सेस संविधान चलती है, या तो आप बाबा साहब के संविधान को बचा लो, अपने आप को बचा लो, या फिर वही रामराज लियाओ जो हमारे कमर पे झाड़ू बनती थी और हमारे कमरे में हांडिया टांगते थे ये लोग, ये वही रामराज है, ये समझना पड़ेगा आप लोग। और एक और बात, तो आपको बहुत बेरुखी आएंगे कुत्ते में बैठ के मेरे जैसे आपके बीच में, बहुत लोग आएंगे। एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान के लिए, एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान के लिए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम है गुलिस्तान क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमने तो पासवान जी से भी कहा था चिराग को थोड़ा बाहर निकाल दो, हवा चलेगी तो पता चल जाएगा असली की नकली है ना। तुम तो सर तो कहते हैं, और हम नहीं डरते भाई, सड़क से भी रहेंगे जहां कहोगे आप लोग। हम तो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, अपनी माँ के सब गोबर गिर रखा जोड़ में आए हम लोग, ठीक है ना, सिल्ला भी चुक रखा है बहुत सारे, नहीं भी नहीं तो सिल्ला क्या होगा, सब कुछ कर रखा है, डरते नहीं है। अब बाबा साहब के मिशन के साथ चलना है, ये बहुत छोटी चीज है। कुर्सियां, आप मुझे एक छोटी सी बात बना, कितने सारे लोग हो जो अपने परदादा का नाम जानते हो? दो चार है ना, हो सकता सारे भी जानते हो,
उसके बाप का नाम जानते हो प्रदाता से आगे कितनी पीढ़ियों तक जानते हो? ये ऐसे शख्स है बाबा साहब, जब तक धरती चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। ये जो परिवार है ना आपके काम नहीं आएगा, ये जो बहुत अच्छे अच्छे मकान बना के दे रहे हैं अपने बच्चों को, ये काम नहीं आएंगे तुम्हारे। साहब काशीराम जब घर से निकला 29 साल की उम्र थी, साइंटिस्ट थे, डीआरडीओ में बहुत अच्छी नौकरी करते थे और विधायक की लड़की से रिश्ता तय रखा था। साहब काशीराम ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ता, अपनी माँ को कहा था कि माँ मैं आजीवन घर नहीं आऊंगा, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, किसी के शादी के आयोजन में नहीं जाऊंगा, किसी के मरने के आयोजन में नहीं जाऊंगा। जब उनकी माँ मरी तो जब भी नहीं गया था काशीराम, जब काशीराम बना था 5 प्रतीक और एक और कहा था ना फूत से फूत तो क्यों धन संचय, फूत से फूत तो क्यों धन संचय। किसी भी अवस्था में पैसे इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। साहब काशीराम की सभा थी पंजाब में और सर्दी का टाइम था, साहब के पास स्वेटर नहीं था तो लाल किले के पीछे पुराने कपड़े बिकते हैं। साहब वहां कोट खरीदने गए, कहे भाई ये कोट दे दो कितने का है? उन्होंने थोड़ी ज्यादा कीमत बताई तो साहब ने कहा यार हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आप थोड़ा कम कर लो। तो उस दुकानदार ने कहा कि सामने चले जाओ निगम बोध घाटा, वहां सस्ते मिल जाएंगे, वहां चले जाओ। साहब काशीराम वहां से 5 रुपए का कोट खरीद के सभा में गए। अरे क्या चाहिए था उस आदमी को? तुम अपने जहन में जाकर थोड़ा सा, तुम लोग अगर इस देश में ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर एक पार्टी को वोट देते हो तो तुम सबसे बड़े गद्दार हो, इस कौम के सबसे बड़े गद्दार हो, इस बाबा साहब के सबसे नालायक बना दो तुम लोग अगर इनको वोट देते हो। वोट ही एक रास्ता जो तुम्हारा रास्ता करेगा, वोट ही एक रास्ता, चाहे जनरल सीट हो चाहे कैसी भी सीट हो, सारी सीटों में चुनाव लड़ो, हार जाएंगे कोई बात नहीं। जिस दिन हम लोग कनाडा सीखे ना, ये लोग देश छोड़ के भाग जाएंगे, ये यूरेशियन जो आर्यन आए ना, जिस दिन हमारे ओबीसी के समझ में अखिलेश यादव की समझ में आई ना, घर का शुद्धिकरण करवा, अखिलेश यादव का घर का शुद्धिकरण करवा योगी जी ने। अरे इनके घंटे में अगर ताकत होती, रात में ताकत न होती तो योगी सीएम बनता क्या? योगी तो बैठा था ना वहां नाथ बन के, क्यों सीएम बना? सबसे बड़ी शक्ति संविधान में है, गीता कुरान में किसी में नहीं है। अगर देश का सबसे पवित्र कोई ग्रंथ है, सबसे पवित्र कोई किताब है, अगर हमारा कोई भगवान है तो बाबा साहब और संविधान है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो काफी चंदा खुला हुआ, पीछे काफी टाइम लगा दिया, मेरे साथ यही दिक्कत है, जब मैं सच बोलता हूँ लोग कहते हैं बोलो। कोई बात नहीं, हम आज छोटी बहन को, मैं तो यही हरियाणा का रहने वाला हूँ, आपके बीच में आता ही रहूंगा, मैं सारे देश में घूमता हूँ, इनकी ऐसी तैसी करने के लिए हम लोग सारे देश में घूमेंगे और सारे देख लो कसम खा के जाना यहाँ से, नहीं तो दोबारा गुलाम हो गया। एक नारे के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, आप लोग मिल गए।